Hello and welcome to my channel, Econ Academy. This video is in Urdu language. You can watch its English version from the link given below in the description. Assalamu alaikum dosto. Is video mein main aapko bataunga ke hum ek numeric variable ko kis tarah string form mein convert karte hain aur ek string form wale variable ko hum kis tarah numeric form mein convert karte hain Eviews mein. So, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अच्छा दोस्तों, इस मैंने एक वेरिएबल को इंपोर्ट किया हुआ है Eviews में, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म है. इसको अब हम स्ट्रिंग फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे क्विक में, फिर वहाँ से जनरेट सीरीज में चले जाएंगे. यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग फॉर्म वाले वेरिएबल को जो नाम देना चाहते हैं वो हम लिख लेंगे. हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख लेंगे. लेट्स सपोज एसडी, एंड उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, और उसके बाद जो ये एट वाला निशान होता है हम वो वाला लगा लेंगे. उसके बाद हम लिख लेंगे str. ये जो है ये एट द रेट ऑफ एस टी आर जो है ये स्ट्रिंग फॉर्म को एक न्यूमेरिक वेरिएबल को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोड है. उसके बाद हम ब्रैकेट में जो हमारा पुराना न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हम वो लिख लेंगे, जो इस फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास ए एस टी है. तो हम ब्रैकेट क्लोज करके ओके पे क्लिक कर लेंगे. हमने ए एस डी नया वेरिएबल बना लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है. अच्छा, ये तो न्यूमेरिक वेरिएबल वेरिएबल स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग फॉर्म और वेरिएबल हम न्यूमेरिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. तो उसके लिए भी हम क्विक में चले जाएंगे और वहाँ से जनरेट सीरीज में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम कोई भी नया नाम जो हम न्यूमेरिक वेरिएबल को देना चाहते हैं वो हम वो लिख लेंगे. लेट्स सपोज मैंने एप्पल लिख लिया. उसके बाद हम इक्वल साइन लगा लेंगे, और फिर वही एट वाला साइन अब हमारा यहाँ से चेंज होगा. यहाँ पर हम वी ए एल लिख लेंगे. हम न्यूमेरिक फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एट वी ए एल लिख लिया. तो ये स्ट्रिंग फॉर्म से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का साइन है, कोड है. फिर हम ब्रैकेट में पुराना जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका नाम लिख लेंगे, जो कि इस यहाँ पर हमारे पास ए एस डी है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर ओके पे क्लिक कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि एप्पल वाला जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया है. तो ये तरीका था एक स्ट्रिंग फॉर्म वेरिएबल को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और एक न्यूमेरिक फॉर्म वेरिएबल को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने का. उम्मीद है आप समझ चुके होंगे. सो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.